बंद करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। तो बहुत अरसे से आप मेरे कॉफी मेकर का रिव्यू मांग रहे थे। आज की वीडियो में मैं आपको अपने कॉफी मेकर का रिव्यू भी दूंगी, उसमें कॉफी कैसे बनाते हैं, किस तरह की कॉफी बन सकती है, उससे उसको क्लीन कैसे करते हैं, सबसे बड़ा मसला जो कॉफी मेकर का होता है साफ कैसे करना, इसके अलावा जिनके पास कॉफी मेकर नहीं है वो घर पे कैसे कॉफी बना सकते हैं, वो भी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसर भी बोलते हैं, इसका जो मॉडल नंबर है वो EMD 151W है। तो आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने खुद खरीदा हुआ है, ये जो कॉफीज हैं ये भी मैंने खुद खरीदी हुई है। इस पैकिंग में रिसीव हुआ था मुझे, साथ इसकी एक वो है वारंटी बुक है। और ये है अगर आपका कप का साइज बड़ा है और कप पूरा नहीं आ रहा तो आप इसको निकाल के भी जो है अपना कप रख सकते हो। और इसको वॉश करना भी बहुत आसान है, पूरा ढक्कन जो ऐसे उठ जाता है, अगर गलती से कॉफी गिर जाए इसमें उबल जाए तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पर ना इसका ये कंटेनर रखा होता है जिसके अंदर अभी मैंने पानी डाला हुआ है, क्योंकि पानी से साफ किया था मैंने मशीन को। अच्छा, वैसे हम लोग इसमें सिर्फ दूध वाली कॉफी बनाते हैं, आप इसमें पानी वाली भी बना सकते हो, जैसे ये बनी हुई है ब्लैक कॉफी। और इसका ढक्कन होता है ऊपर लगाने वाला, वो ये है। इसको निकालना लगाना दोनों बहुत आसान है, आराम से लग जाता है, आराम से वॉश जाता है, कोई मसला नहीं है। इसको देखा मैंने अभी एक हाथ से भी लगा लिया। ये मैंने इसकी ये एक ये वाला अटैचमेंट आता है जिसमें आप कॉफी डालते हैं, और इसको इस तरीके से इस वाले अटैचमेंट से इससे कॉफी डाल भी सकते हैं, और इस वाले अटैचमेंट से आप कॉफी को ऐसे करके प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, इसका एरो भी बनाया हुआ है आपके लिए कि यहाँ से लगाना है आपको, घुमा के इस तरह फिक्स करना है आपने, ठीक है। अब एक महीना पूरा यूज करने के बाद मैं आज आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। इस कॉफी को हम डालेंगे इसके अंदर, मैंने इसलिए एडवांस में बड़ी वाली लाकर रखी हुई है क्योंकि ये खत्म होने वाली थी। इसको मैंने डाला इसके अंदर, ठीक है। अब ये आपने अगर स्ट्रॉन्ग बनानी है तो आप इसको प्रेस करके और डाल सकते हो। उसके बाद जो ये वाला ढक्कन या जो इसके साथ इसका एक अटैचमेंट आया, इससे आपने इसको ऐसे अच्छे से प्रेस किया, ये देखें, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 2 कप कॉफी बनानी है तो मैं उस हिसाब से जो है इसको डाल रही हूँ। ये हमारा प्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अटैच करना है इसके अंदर, इसको मैंने रखा है इसे ये, और उसके बाद इसको हमने लॉक करना है इस पॉइंट पे लाके, ये हमारा लग गया। इसके बाद हमने डालना है दूध इसके अंदर, और यहां से मैंने डाला है दूध क्योंकि मैं दूध वाली बनाती हूँ। वैसे मोस्टली लोग पानी वाली ही बनाते हैं, अंग्रेज तो पानी वाली पीते हैं, हम देसी लोग पाकिस्तानी हम दूध वाली पीते हैं। इतना कपड़ा आपको तो वो यहाँ से आराम से आ जाएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ करीब से करके कैमरा, ये आराम से आ जाएगा। लेकिन इससे बड़ा अगर कप होगा तो आपको ये निकालना पड़ता है, फेंक कप रखना पड़ता है। अब इसका बटन पीछे से ऑन करूंगी, इसमें फटाफट कॉफी बनती है। यहाँ से इसको ऐसा ऑन किया, उसके बाद डायरेक्ट ये वाला दबाया और फौरन देखना कॉफी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ तक फौरन से जो है हमारी कॉफी बनना स्टार्ट हो गई है छोटे कप के अंदर। अब मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी कितनी प्यारी और जो है वो फोमिंग हमारी कॉफी बनती है। इसमें सिर्फ इस मशीन के सिर्फ ये मजे हैं कि इसमें आपको वेट करना नहीं पड़ता, बाकी तो हम चम्मच से फेंटते हैं उसमें वेट करना पड़ता है, जूसर में बनाते हैं उसमें वेट करना पड़ता है, तो बस ये इसके बेनिफिट है। अब क्योंकि कप फुल होने वाला था मैंने इसका बटन बंद कर दिया है ताकि हमारी जो कॉफी है वो मशीन के ऊपर ना गिरे और गंद ना मचे। देखिए मैंने बटन बंद किया, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कप। छोटा वाला कप निकाल के ना बड़ा वाला कप रख देती हूँ, साथ जो नीचे वाला अटैचमेंट है वो भी निकाल लिया है मैंने ताकि बड़ा वाला कप जो है वो आराम से आ जाए। अब जो कॉफी टपकेगी वो बड़े वाले कप में टपक जाएगी, बड़े कप में हम कॉफी बना सकते हैं। सारा फोम है ये, ऊपर डिजाइन भी खुद ब खुद आ गया, हमें डिजाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। कितना फोम है, कुछ भी मैंने नहीं किया, ना फेंटा ना कुछ किया, बस इसके ये मजे हैं कि बहुत ही प्यारी फोमिंग कॉफी फटाफट चुटकियों में बन जाती है। और अगर आपको इससे भी ज्यादा फोमिंग चाहिए होती है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है इसका स्टीम का, वो मैं करने लगी हूँ, आप वो देख लेना। वाला बटन दबाया था तो कप यहां से निकल रहा था, ठीक है। अब मैं ये स्टीम वाला बटन दबाऊंगी, ये अब इसकी जो सुई है देखना आगे जाना शुरू हो जाएगी, ये इसको हीटअप करेगा और यहां से निकलेगी हमारी स्टीम, और उससे जो है हम मजीद कॉफी बना सकते हैं और ज्यादा फोमिंग और ज्यादा जो है झाग वाली कॉफी हम बना सकते हैं इससे। अभी क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मैं स्लो स्लो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अदरवाइज मैं यूं चुटकियों में बना के कॉफी चली जाती हूँ। साइड पे इसका रेगुलेटर लगा हुआ है, इससे जो इसको आप ऑन करोगे ये साथ साथ देखे जो सुई है ना वहाँ पे आपको नजर आ रही होगी वो भी आगे जा रही है क्योंकि ना मशीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप स्टीम वाला ऑप्शन ऑन करते हो तो मशीन जो है वो हीटअप होती है, उसको पानी को या दूध को जो भी चीज़ उसको हीटअप करती है और वहाँ से स्टीम निकलती है। जो लोग मरी जाते हैं वहाँ पे कॉफी पीते हैं ना उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। यहाँ पे आप ना इसके रेगुलेटर से भी जो इसकी स्पीड है इसको इंक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो, इससे आप जितना चाहे फ्रोदी कॉफी बना सकते हो, झाग बना सकते हो कॉफी के अंदर। और साथ में जब इसको बंद करोगे रेगुलेटर भी बंद करोगे और मशीन को भी ऑफ करोगे। जो मैंने इसका स्टीम वाला बटन है बंद कर दिया और अब आप देखें यहाँ पे हमारा फुल कप फोम से भर गया है, नजर आ रहा है आपको ये।
अगर मैं इससे ज्यादा और देर चलाती तो सारा उबल उबल के बाहर आना शुरू हो जाता हमारा फोम। इस मशीन का बेनिफिट बस यही है कि ये फटाफट से जो है आपकी फोमिंग कॉफी रेडी कर देती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है आपको दिखाया भी कितनी फोमिंग है। नुकसान इसका ये है कि महंगी बहुत ज्यादा है, बिजली नहीं खाती, आपको बिजली के बिल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वर्टर है ये, जैसे हम जूसर यूज करते हैं तो बिजली के बिल में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम वैसे ये वाली मशीन है, बस तार बहुत छोटी है इसकी और सफाई भी करनी पड़ती है इसकी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग घर में फोमिंग कॉफी कैसे बनाए तो आप जूसर भी बना सकते हो, उसकी वीडियो भी मैं आपको आगे शेयर कर देती हूँ। पास कोई भी जूसर ब्लेंडर है आपने उसके अंदर डालनी है कॉफी जितनी आप लोग पीते हैं उस हिसाब से, ये आई थिंक आधा चम्मच होगी, अब नए वाले से निकालते हैं। एक चम्मच फुल भर के मैंने डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है, और ये और ऐसे। उसके बाद आपने इसमें डालनी है चीनी, तो मैं एक कप के हिसाब से ही चीनी डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एक कप बन गया, दूसरा कप जो है मैं इससे बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि जिन लोगों के पास कॉफ़ी मेकर नहीं है उनको टेंशन ना हो कि हमारे पास कॉफ़ी मेकर नहीं है तो हम कैसे बनाएं। अब आपने इसमें क्या करना है, या आपने इसमें डालनी है बर्फ़ यानी कि सही ठंडी चीज़, या आपने डालना है इसमें हॉट वाटर, ठीक है, हम इसमें डालेंगे हॉट वाटर। तो देखें सही गर्म पानी है, धुएं निकल रहा है इसके अंदर से, वो मैं इसके अंदर डालूंगी, थोड़ा सा डालना है बस, ये सब डिप हो जाए सारा कुछ। तो आपको नजर आ रहा है कैसे बुलबुले बन रहे हैं इसके अंदर। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको ऑन करने लगी हूँ, ये देखें मैंने इसको ऑन कर दिया और आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से फोम बनना ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, इतनी सी कॉफी थी और ये इतनी सारी हो चुकी है, तो ये देख लें बिल्कुल ऊपर तक आ गया, मुझे लगा मैंने और चलाया तो गिर ही जाएगा, मैं इसको बंद करने लगी हूँ और मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो बीट करती हो, ठीक है, आप उससे कॉफी बना सकते हो, आपको इतनी महंगी मशीन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इसका जाली वाला जो ऊपर ढक्कन था वो हटा दिया था, आपको पता है स्मूदी बनाने वाला होता है ये है, या कोई भी और आपके पास बीटर है भी मिक्स करने वाली चीज है आप उसमें बना सकते हो। अब आप देख लें ये इतनी फोमिंग है कि निकल ही नहीं रही, देखें तो ये देखें हमारी कितनी ज्यादा फोमिंग कॉफी बनी है इसके अंदर, कॉफी मेकर से भी ज्यादा अच्छी। पानी तो खत्म ही हो गया बिल्कुल भी, यानी कि या उबलता हुआ पानी या फिर ठंडा पानी आपने डालना है इसके अंदर, यक ठंडा या यक उबलता हुआ पानी डालना है आपने इसको बनाने के लिए, और इतना टाइम भी नहीं लगता, 5 मिनट में जो आपकी ये फोमिंग कॉफी दलगोना कॉफी तैयार जाती है। चीनी ऑलरेडी इसके अंदर मिक्स है, कॉफी मेकर में चीनी मिक्स नहीं होती, उसमें आपको चीनी बाद में अलग मिक्स करनी पड़ती है, इसमें चीनी मिक्स होती है, जब आप इसको फेंटते हो बस दूध डालो गर्म उबलता हुआ और आपकी कॉफी जी रेडी है। आप लोग मेरा रिव्यू जानना चाहते हो कि मेरा इस बारे में क्या रिव्यू है, कॉफी मेकर लेना चाहिए 25-30 हजार का या नहीं, तो मैं कहूंगी कि नहीं, क्योंकि हम कॉफी घर में बीटर की मदद से भी बना सकते हैं, हम जूसर में ही बना सकते हैं, हम जो हैंड बीटर होता है उससे भी बना सकते हैं, हम जो स्मूदी मेकर होता है उससे भी बना सकते हैं, तो हमें क्या जरूरत है हम 25-30 हजार रुपए ऐसी मशीन पर इन्वेस्ट करें। मतलब मैंने तो पैसे वेस्ट किए क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ, तो मैंने चाहती कि आप लोगों के पैसे वेस्ट हो, इसलिए मैंने आपको अल्टरनेट मेथड भी बता दिया है। मैंने कॉफी मेकर इसलिए लिया था कि बहुत सारी हमारी ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं जो सुबह सुबह उठ के जो बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रही हैं, बर्गर बच्चियां हमारी, सुबह सुबह उठ के वो कॉफी की स्टोरी डालती थी, फैंटेसी सी मशीन होती थी उनके पास जिसमें वो कॉफी बनाती थी और मजे से बैठ के पीती थी, उनको देख के मैंने कॉफी मेकर में पैसे इन्वेस्ट किए, पर मैंने देखा उससे अच्छी कॉफी तो हम घर पे खुद बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, हमेशा डिशवॉशर अच्छी चीज थी, मैंने कहा रिकमेंडेड है आप लोग जरूर बाय करें, ये नहीं है ये मुझे समझ में नहीं आती है, मुझे लगता है इसमें पैसे वेस्ट हैं, क्योंकि वही सेम कॉफी हम घर में ही बना सकते हैं, कुछ खास नहीं कर, मुझे लगता है उससे ज्यादा अच्छी फॉर्मिंग कॉफी जो है वो घर में बन सकती है, उसमें हमारे पैसे वेस्ट होते हैं, तो मेरे तरफ से नॉट रिकमेंडेड है। आप लोग लेना चाहते हो आपकी जेब आपकी मर्जी, आप लोग ले सकते हो। मेरे साथ कमेंट में ये जरूर शेयर करना कि आप लोग घर में कॉफी कैसे बनाते हो, कौन कौन सी कॉफी आप लोग यूज करते हो, कौन सी कॉफी का टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा है, किस तरीके से कॉफी जो है वो ज्यादा मजे की बनती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कॉफी मेकर के बारे में भी और बगैर कॉफी मेकर के कॉफी कैसे बनाएंगे उस बारे में भी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।